तो नमस्ते दोस्तों, मैं स्वप्निल जाधव नासिक स्वप्निल यूट्यूब चैनल के तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमेशा की तरह। तो दोस्तों, आज हम अच्छी सी प्यारी सी एक कहानी सुनने वाले हैं जो हम अपने व्यूअर्स के लिए बिल्कुल शॉर्ट करके लाए हैं, बिल्कुल छान के लाए हैं। और इतनी अच्छी सुंदर कहानी है, वो कहानी सुनकर आप भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, हमें पूरा विश्वास है। तो चलिए, ज़्यादा वक्त नहीं गंवाएंगे, स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जाने से पहले एक टास्क दे देता हूँ आपको, इस अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर दबाना, और हाँ नए हो तो सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन का ज़रूर बटन दबाना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी सुंदर कहानियाँ हम आपके लिए हमारे चैनल पे लेके आ रहे हैं फ्यूचर में भी। रोज़ डेली एक वीडियो हमारा इस कहानी ऐसी कहानियों से सुंदर सुंदर कहानियों से सजा हुआ होता है, और सुबह 8 बजे रेडी हो जाता है, पब्लिश हो जाता है। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए हमारे चैनल पे, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर सा चैनल है हमारा। तो चलिए अब स्टोरी शुरू करते हैं, चलिए। दोस्तों, आइए आज जान लेते हैं कि जिंदगी में सफलता पाने का सही तरीका कौन सा है। दोस्तों, बचपन में मैंने एक कहानी सुनी थी जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। आइए जान लेते हैं कि वो कहानी कौन सी है। दोस्तों, एक छोटे बच्चे को लड्डू बहुत पसंद थे। उसकी माँ ने उस बच्चे के लिए लड्डू बनाकर एक छोटे से मुँह वाले बर्तन में डालकर रखे थे। माँ को लड्डू बनाते हुए और उसे रखते हुए बच्चे ने देख लिया और अब उसका मन लड्डू खाने को करने लगा। लड़का माँ से नज़र बचाते हुए लड्डू के बर्तन तक पहुँचा। बर्तन में ढेर सारे लड्डू देखकर उसके मन में लालच आ गया और उसने ज़्यादा से ज़्यादा लड्डू निकालने के लिए अपने दोनों हाथ बर्तन में डाल दिए और दोनों हाथों में लड्डू पकड़कर बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। लेकिन मुट्ठी बंद होने और बर्तन का मुंह छोटा होने की वजह से हाथ बाहर नहीं निकल पा रहा था। लड़के ने बहुत जोर लगाया और इसी चक्कर में उसके हाथ सभी छिल गए और उसे दर्द होने लगा। तो उसने रोते हुए अपनी माँ को बुलाया। माँ ने उसके पास आते ही और उसकी हालत देखकर हंसने लगी और लड़के को कहा, बेटा अपनी ज़रूरत और हालातों के अनुसार काम करो। इस बर्तन में एक बार में एक ही हाथ डालो और एक एक करके जितना मन करे उतने लड्डू निकाल लो। सारे लड्डू एक ही बार में निकलना चाहोगे तो एक भी नहीं निकल पाएगा। दोस्तों, ये तो सिर्फ एक कहानी थी, लेकिन ये कहानी उन सब लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक है। अति महत्वाकांक्षी हैं और एक ही बार में जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहते हैं। दोस्तों, हम इस जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यह भी तभी संभव है जब हम एक एक करके इस पर ध्यान दें। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और कि क्यों कुछ लोग जीवन में असफल हो जाते हैं और आप अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसे लगा हमें ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हाँ आते रहिए, क्योंकि हम हर रोज़ सुबह 8 बजे एक नया वीडियो प्रदर्शित करते हैं। तो तब तक के लिए मैं स्वप्निल जाधव आपसे अब विदा लेता हूँ। मिलेंगे ऐसी ही नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।